साथियों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवंदर जी, शांति डेंटल क्लिनिक बीडीएस एमडीएस पुत्र अर्जुन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद रामदेव नगर महादेव सिवान बिहार। इस बार ये उप सभापति प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ा हो रहे हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये चुनावी दौरा तेज कर चुके हैं। सिमाओ टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड सिवान बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, सीओपीडी, लंग कैंसर, आईएलडी, आज ही पहुंचे ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। और साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज का खबर ये है कि सिवान जिला में, सिवान सिटी में एक ऐसा समाज सेवी है जो लगातार कई महीनों से डॉक्टर को लेकर जनसंपर्क करते हुए समाज में अपना पहचान बनाते नजर आ रहा है। बात करेंगे समाज सेवी जीवन यादव, जो सुर्खियों में लगातार बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिवान में एकमात्र ऐसा ये सेवा सदन स्टार्ट किए हैं जो सामाजिक चीज़ों को लेकर समाज में हो रहे अत्याचार, बूढ़े बुजुर्गों को अन्याय, न्याय दिलाना, लोगों को साथ लेकर चलना, हर समय दुख सुख में आना, ये हर समय साथ देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये समाज में कई महीनों से डॉक्टरों की कैंप लगाकर समाज का सेवा करते नजर आ रहे हैं। हर रविवार के दिन निशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है, इनकी हेल्थ शिविर का आयोजन किया जाता है इनके कार्यालय पे, जो कि कंधवारा स्थित इनके आवास से महज 200 मीटर दूरी पे इनका कार्यालय है। और कार्यालय के जस्ट बगल में ही इनका जो शिविर लगता है, आए दिन ये हर संडे को इनकी रविवार के दिन शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम तरह के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना जांच पड़ताल करवाते हैं, यानी कि इलाज करवाते हैं। इलाज के दौरान जो कमी होता है, जैसे कि जांच करवाना, किसी भी चीज़ का जांच करवाना, और अभी एक अगले संडे को जिसका आँख का जाँच हुआ था, उसके लिए इन्होंने ऐलान किया था कि आँख जांच कराने के पश्चात अगर आपके पास आँख में कोई प्रॉब्लम आती है तो निशुल्क आपको चश्मा वितरण किया जाएगा। उसी का कार्यक्रम आज किया गया। आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे इन्होंने अपने हेल्थ कैंप का आयोजन तो किया ही था, उसके तहत जितने लोग आँखों से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, यानी कि दिखाई नहीं देता, उनके लिए इन्होंने निःशुल्क बेहतर तरीके से बेहतर चश्मा का इन्होंने अरेंज किया डॉक्टर के द्वारा। यानी देख सकते हैं कि मरीजों को ये चश्मा वितरण कर रहे हैं और चश्मा वितरण करने के पश्चात लोगों को ये शुभकामनाएँ दी हैं। आज है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में इन्होंने अपने आवास पे पेड़ पौधे का कार्यक्रम भी किया। आपको बता दें कि आवास से भी इनकी माता जी इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं, यानी कि चेयरमैन का जब चुनाव होगा, सिवान नगर परिषद में 45 वार्ड का गठन हो चुका है। अब देखना ये है कि जब नगर चेयरमैन का, यानी कि नगर परिषद चेयरमैन यानी सभापति का चुनाव होने के लिए बिगुल बचेगा, तो इनकी माता जी चुनाव मैदान में उतरेंगी। इनसे सवाल, कई सवाल हम लोग किए कि आप इतने तरीके से आप जनता के बीच आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है और आगे भी हम करते नजर आएंगे। इनका एक और कहना है कि इनकी माता जी का सपना है कि हम चेयरमैन बनकर समाज सेवा करें और समाज को जो कुरीतियाँ है, जो परेशानी है, उसे दूर करने में एक अहम रोल अदा करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, खास रिपोर्ट इनका हम लोग ले रहे हैं। इनके आए दिन हम जो भी खबरें हैं, जो भी तमाम तरह की न्यूज़ है, हम लोग देते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये समाज से भी अचानक से, मतलब कहा जाए कि ये एक व्यवसायी के रूप में सम्मिलित थे कई वर्षों से, और ये अचानक से, मतलब तो नहीं, लेकिन अचानक मूवमेंट पे इन्होंने अपना फैसला किया कि हमें चुनाव लड़ना है। और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जितने डॉक्टर यहाँ पे आए उपस्थित हैं, उन्हें सबको एक भेंट प्रकट किया, यानी कि गमला का एक पौधा यानी देकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का इन्होंने काम किया और इस चीज़ को मैसेज किया कि भाई आने वाले कल हमारे
पर्यावरण का विकसित हो। और देखिए आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये अपने इन्होंने ऐलान किया कि आज अपने आवास पे इन्होंने पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम किया, उसके तहत जीवन सेवा सदन का शुभारंभ किया और तमाम तरह का मैसेज दिया। ये सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। जीवन सेवा सदन का इन्होंने ऐलान किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे इलाज होगा, जो हर संडे को हो रहा है वो कैंप अब यहाँ पे लगेगा, यानी कि जहाँ पे ये पेड़ पौधे का कार्यक्रम लग रहा है, लगाने का कार्यक्रम लग रहा है, वो यहाँ पे कैंप अब लगेगा। आप बिल्डिंग देख सकते हैं, तमाम तरह की जो इनके पास बिल्डिंग है वहाँ पर ये अपना कार्यक्रम करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया और देखिए यही है जीवन सेवा सदन, यानी बात करेंगे जीवन सेवा सदन के नाम से ये अपना समाज के लिए, ग्रामीणों के लिए और अपने ज़िले के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरा जीवन जनता के लिए ही निछावर होगी। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। खास रिपोर्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही चैनल को बढ़ावा देने में सपोर्ट करें।